अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह व्लॉग, लास्ट वाला व्लॉग मैंने एंड कर दिया था, अब आज डे वन है, तो आज नया व्लॉग शुरू करते हैं। आपको मैं लंदन लेके चलता हूँ। पहले तो मैं इल्फ्रंट रेड वाली साइड पे था, तो मुझे वो देसी वाइब्स आ रही थी, प्रॉपर पंजाब की वाइब्स, लाहौर की वाइब्स थी। मतलब देसी टेक वेज थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारे मतलब लड़कियां भी थी। मैंने कहा यार ये मैं कहाँ पे आया हूँ, मैं साल लाइक और यार नाम पर गया मैंने, नाम किसी पर आसफ आसफ भाई को मैं कह रहा था। मैं यार आयरलैंड में भाई इतनी गोरियां होती हैं, यहाँ पे तो गोरियां नहीं थी। मतलब मैंने कहा कह लो कि 5% देखी होंगी, नहीं तो 95% वो अपनी बंगाली थे, इंडियंस थे, पाकिस्तानी ज्यादा नजर आ रहे थे सारे। अब इल्फ्रंट रेड से निकले, अब लंदन वाली साइड पे जा रहे हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूं, तो जी इस व्लॉग को करते हैं जी शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, साथ है मेरे मोहम्मद एहसान, और पीछे बैठे हैं जी आसफ शाह साहब। तो इस व्लॉग को करते हैं जी शुरू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली जी सेंटर में खैर पहुंच गए हैं। वो बिल्डिंग देख सामने जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अंदर दिखाई थी, वो कौन से वाली? वो सामने करो जिसका एटम की तरह मूवी, न्यूक्लियर बम की तरह, वो देख। ऐसा मैं लग गई मुझे बुलेट की शेप में। ऑलराइट ऑलराइट, ये जो टनल के अंदर गुजरे हैं, ये वही टनल है जो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के अंदर जिसमें वो गाड़ी में जाते हैं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो जी मैं तो भाई साहब कैसे कहते हैं, डब्लिन के अंदर यार कोई है ही नहीं इतनी ना लंबी बिल्डिंग। दिस इज लंदन बेबी। चलना तीन दिन लाके करना है ना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड का टाइम जोन है ना, उसका मतलब कह लो कि जो स्टार्ट है ना वो लंदन से है। मतलब टाइम जोन का लाइक आई थिंक जीएमटी होता है ना, वो जीएमटी, हाँ जीएमटी, सॉरी जीएमटी जो है ना वो 00 जो है वो लंदन का है। उसके बाद पेरिस 30 मिनट्स, हाँ जो पेरिस का है वो 00:30 है। तो इस तरह पाकिस्तान का आई थिंक 4 आवर्स। और यहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे दिन में 4 दफा अजान होती है, फजर के टाइम नहीं होती। क्यों? वो कहते लोग वो कहते जी लोग सोए होते हैं तो इस वजह से वो फजर के टाइम नहीं अजान होती, बाकी 4 टाइम अजान होती है, जोहर असर मगरिब और इशा। वो किसी सऊदी शहजादे के कहने पे हुई थी कि उन्होंने बोला था कि अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तब मलिका एलिजाबेथ 1 का दौर था मेरे ख्याल से, मतलब उसकी बेटी को बोलते ना क्वीन एलिजाबेथ 2, मेरे ख्याल से 1 का था ऐसी हाजी कि उसमें वो आया था। वो कहता है ठीक है अगर आप नहीं अजान अलाउ करेंगे तो मैं ये पूरी जगह सारी खरीद लूँगा। वैसे भी उसके अंदर काफ़ी बिल्डिंग अभी भी हैं जो सऊदी शहजादों की हैं यहाँ पे, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम अलाउ कर देते, क्योंकि उन्हें पता था इनके पास पैसे बहुत हैं, उन्होंने सारी जगह खरीद लेनी है, तो फिर घर को जो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फिर अभी तक हमने यही सुना है कि 4 टाइम वहाँ पर अजान होती है स्पीकर के। ऑलराइट, तो जी ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2 आपको बता दिए, आगे अगर कोई मुझे मिला तो फिर मैं आपको वही बताऊँगा। बाकी यार ब्यूटीफुल है यार, पहले तो मैं जिस साइड पे था वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वो तो सारा पंजाब ही लग रहा था मुझे, लाहौर का सारा एरिया था। यहाँ पे यह सेंट्रल लंदन में आया तो भाई सब पता लगा कि भाई राणा साहब यूके आए ने, लंदन से आए ने स्पेशली। बाकी देख के तो पता लगता है कि भाई पूरी दुनिया को लुट के खा गए पूरी दुनिया का माल इन्होंने ला ला के यहाँ पे लगाया, सिर्फ इस शहर की खूबसूरती पे इन्होंने लगाया सारा। ये इनका प्लान है ना पूरा ग्रेटर लंदन का, इनका ग्रेटर लंदन का ये था इनका, इन्होंने भाई साहब सारी ना पूरी दुनिया से जहाँ से इनको ना हुआ ना हाथ इनका पड़ा है वहाँ से इन्होंने इकट्ठा किया माल और सारा यहाँ पे ला के लगाया है इन्होंने। वो जी आ गया है जी लंदन आई, लंदन नहीं कहते ना सर वो राजी।
वहां से आ गई वो रहा जी लंदन आए उसके साथ ही वो क्लॉक टावर है जिसके ऊपर क्लॉक लगा। अच्छा 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 ठीक हो गया। ये बस आगे पीछे होगी तो दिखाऊंगा कुछ उसी के साथ ही जो नजर आ रहा है ना वो क्लॉक टावर भी आ गया। अच्छा वो रहा नजर आ गया पीछे ये इसके कैप्सूल काफी बड़े हैं इसके उसके लंदन आई वाले के चार का। और ये टुक टुक चल रही है टुक 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 बोलते हैं ना ऐसे ये टुक टुक ही बोलते हैं। पहुंचे हैं जी ट्रफलगर टावर ट्रफलगर स्क्वायर ट्रफलगर स्क्वायर में। तो यहाँ की यहाँ पे क्या चीज है टिकट किस चीज की यहाँ पे एंट्री किस की नहीं है यहाँ पे साथ जो टूर है म्यूजियम यूरो चढ़ा हुआ। ये है जी वो जिसकी बात हो रही थी ना कि वो सामने ट्रफलगर स्क्वायर जो है उसके अंदर ये म्यूजियम है आर्ट गैलरी है ये चीजें है वहाँ पे। आपको मैं कहा चलो आपको दिखा दूं अंदर तो हम नहीं जा रहे वो सामने फाउंटेन लगा हुआ बड़ा प्यारा क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया होगा वैसे भी। ये ले तो ये सामने ये म्यूजिशियन बैठा हुआ आई थिंक सब ये इन लोगों के पीछे बैठा हुआ है वो लोग उसको उनको देख रहे हैं यहाँ पे। बाकी इफ्तारी का टाइम हो रहा था इसलिए हम जा रहे हैं एक जगह पे वहाँ पे फूड क्या बर्गर खाने जा रहे हैं ना बर्गर एक जगह पे है बड़ा अच्छा है कहते बड़ा मज़ेदार है तो वो खाने के लिए जा रहे हैं। और ये है जी ट्रफलगर स्क्वायर नाइस। डबलिन से तो खैर कैसे कहते खूबसूरत ही है क्योंकि मैंने डबलिन मैंने विजिट किया लेकिन वो मज़ा नहीं है वहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है इतना छोटा भी नहीं है लेकिन ये है कि ठीक है वहाँ पे। जब भी मैं गया हर टाइम बारिश ही होती रहती है यहाँ बारिश हो रही होती थी यहाँ वो हवा तेज चल रही होती बस ये दो काम होते हैं वहाँ पे बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये कि आज वैसे सनी डे है तो खूबसूरत है बारिश भी नहीं हो रही हवा भी इतनी नहीं चल रही लेकिन चल रही है लेकिन इतनी नहीं चल रही तो ठीक है मतलब विजिट करने के लिए चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला मौसम अच्छा रहता है। वहाँ पे तो भाई साहब यूज टू हूँ मैं तो बारिश का मैं वही साल में कह रहा था वाइपर ही चला लूँ क्योंकि आदत बनी हुई है क्योंकि जब भी गाड़ी में बैठने वाइपर चलते चल ही रहे होते क्योंकि कभी कभी बारिश हो रही है फिर बंद हो जाती फिर होने लग जाती है इस वजह से। बाकी यार खूबसूरत है यार मजे गए मजे गए। अभी आपको लेके चलते हैं ये रहेगी थोड़ी सी हमारी डेस्टिनेशन कितनी डिस्टेंस रहती है 4.5 माइल्स मीन के 5 किलोमीटर नहीं तकरीबन 7 किलोमीटर ओके 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 ओके। तो वो फिर वहाँ पे आपको लेके चलते हैं आज की इफ्तारी आपके साथ करते हैं भैया यारों दा कर केड़ा ये कौन सा गेट है पता नहीं कौन से गेट है नाम हमें भी नहीं आते हैं चला के लब तो फिरे यारों दा कर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे चला रोंदा रे जंदा हसदा फिरे चला गली गली फिरदा रे चला के लबदा फिरे। मेरे ख्याल से सामने हाइड पार्क है ना
विलिंगटन म्यूजियम बात कर रहा हूं सामने विलिंगटन म्यूजियम कौन सा सामने पार्क है हाइड पार्क हाइड पार्क और ये आपके लेफ्ट साइड पे है रॉयल अटर्ली मेमोरियल्स ओ ये वाला या लेफ्ट साइड जो बैक बिल्डिंग से ओके अफगानिस्तान का जगह लगा डस्टबिन इट्स अफगानिस्तान पाकिस्तान की एम्बेसी भी इधर ही है ये बैक साइड पे आती है Britain. Oh, खूबसूरत अब जो कैम जो उस पे मोबाइल पे व्यू आ रहा है और रियल में ओह खूबसूरत कैमरा है ना तो माड़ा कहने आगाह कर देना वैसे मैं भी फुल अटेंशन कैमरे वाली है ये सारे महंगे ब्रांड है आपके इधर ये मेरे राइट पे लेफ्ट पे टॉमी हिलफिगर के यहाँ पे सारे महंगे ब्रांड टॉमी की तो खैर सुबह मैंने शर्ट पहनी हुई थी चेक कर लो डीजर आ गया आपका ट्रेड पेपर आ गया ये सारे यहाँ पे इनकी वो रसल एंड ब्रोकली लिमिटेड एडिशन आर्टिकल्स होते हैं इधर यहाँ जो आर्टिकल्स हैं वो दूसरे स्टोर्स पे नहीं होते मतलब जो जो आर्टिकल यहाँ पे हैं वो और आउटलेट्स पे नहीं होंगे वो सिर्फ स्पेसिफिक इन्हीं आउटलेट्स पे हैं कितने किलोमीटर आ गए हो चुके हैं और कितने बजे पता खुलते हैं यहाँ पे 7:48 पे क्योंकि कल मेरा खुला था 8 मतलब क्वार्टर पास 8 कर लो वो तब का मैंने खाया भाई साहब उसके बाद से अभी तक मैंने एक कुछ भी नहीं खाया वो मुझे भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है इस टाइम बट ऐसे यार ये वाली होंडा सेवा बड़ी अच्छी है बड़े मजे की है यार ये वैली ये है जी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यहाँ पे म्यूजियम काफी ज्यादा है तो वो वास्तव भाई बता रहे हैं भाई सब पूरी दुनिया से माल उन्होंने चोरी कर कर के यहाँ पे रखा हुआ है कोई इन्होंने किस म्यूजियम में रखा है कोई किस म्यूजियम में रखा हुआ मतलब इन्होंने चोरी टाइप मतलब वो उस जमरे में है ना कि उन्होंने वहाँ पे रूल किया इन्होंने काफी साल तो वहां से जो चीजें थी उनकी वो जो उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती थी इन्होंने वहां से उठा के यहाँ पे ला के रख दिया बस तो इस वजह से इन्होंने काफी म्यूजियम यहाँ पे बनाया हुआ है क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ कि रास्ते में काफी म्यूजियम आ गए हैं मैं कोई चौथा का पांचवा म्यूजियम में देख रहा हूँ अभी हमारी 2.3 माइल्स की डिस्टेंस पड़ी है इटली की बसी है नहीं फ्रांस की है ये एम्बेसी और ये रही जी फ्रांस की एम्बेसी मिल चुकी है जी पार्किंग फाइनली बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है तो काफ़ी उधर डावे ढूंढते रहे हैं लेकिन वहाँ पर मिली नहीं अब इस जगह पे आके मिली है पार्किंग तो यहाँ पे कर दिया पार्क तो अब चलते हैं जी बर्गर बर्गर खाने बर्गर खाने टाइम क्या हो गया भला टाइम क्या हो 5:07 ओके लेट्स गो बेबी वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है भूख से मेरा बुरा हाल हुआ है ना कसम से ना पूछो बहुत उस टाइम मुझे भूख लगी हुई ना किसी शदीद किस्म की भूख लग रही है आई थिंक 40 मिनट्स रह गए हैं अफ्तारी में तो चलते हैं पहले यहाँ पे खड़ी करने लगे थे फिर वो पोर्शे वाले ने खड़ी कर दी तो उसने राम से यहाँ पर लगा दी शिकागो ग्रिल पे आए हैं
बर्गर खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब उनको क्या था कि भाई साहब अफ्तारी के टाइम पे लेके आइएगा, उससे पहले ना लेके आइएगा, ये ना अफ्तारी पे नहीं होगा, खोल ले। तो बैठते हैं यहाँ पे, हीटर चल रहा है यार, पहले इतनी गर्मी हुई है इन्होंने हीटर चलाया हुआ। मामा चंगी गल एहसान भी इतना नजला हो गया, फ्लू की वजह से ना मुझे बुरे हाल हो रहे हैं। बैठते हैं। ओए होए 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 माइटी बर्गर, दिस इज माइटी बर्गर, थैंक यू सो मच राणा साहब, थैंक यू सो मच। अब जी रोज़ा खुलने का वेट हो रहा है, अब रोज़ा खुलता है तो फिर शुरू करते हैं। तीसरा भी माइटी बर्गर वो आ रहा है, वो भाई लेके आ रहे हैं, ये आ गया जी माइटी बर्गर। ओए होए होए होए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, जितनी मुझे भूख लगी हुई है ना इस टाइम मेरी तो एंड हो गया इस टाइम, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं कब रोज़ा खोले और मैं खाना शुरू करूँ। रोज़ा खोल लिया, अब थोड़ी सी जान में जान आई है, बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, माशाल्लाह तो बहुत मज़े का था, हैवी भी था, वो था बीफ का और साथ वो था हलाल बेकर, तो उसका था वो टर्किश बेकन उसे बोलते हैं, मैं मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, सॉरी। हेलो बेकर थी क्या, हैम सी, हैम होता, हैम हो, तो हैम ठीक होता है, लंबा लंबा नहीं, इसमें हैम था ना, देख हैम नहीं होता, हैम तो वो होता है पोर्क होता है, ये बेकन था, बेकन हलाल बेकन, अच्छा 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 अच्छा, वो हलाल हलाल बेकन था वो, मैं समझा था हलाल बेकन था, उसके साथ बीफ पैटी के साथ, तो मज़े का था, साथ फ्राइज थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, फिर चलते हैं घर, जा रहे हैं जी घर वापस, घर वापसी का सफर हो चुका है जी शुरू, रास्ते में कुछ चीज हुई दिखाने वाली आपको दिखाता हूँ, वरना फिर बैठा मैं एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। ऑनवर्ड्स टू जी होम, ये आ गया जी स्केर, और ये राजी छल्ले वाला छल्ले वाला ही था ना, शायद ये छल्ले वाला ही है, छल्ले वाला है ना, हाँ। शाहरुख खान का छल्ले वाला, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, छल्ला की लबदा फिरे यारों दा कर केड़ा, और ये राजी हैप्पी रमादान यहाँ पे आ जाएगा, फिर ईद मुबारक, और राजी हैप्पी रमादान। ओके हम जा रहे हैं जी इस टाइम टावर ब्रिज की तरफ, हम जा रहे हैं इस टाइम जी टावर ब्रिज की तरफ, मैंने आपको बोला था अगर रास्ते में अगर हमारा प्लान चेंज हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ जी टावर ब्रिज की तरफ, लोकेशन मैंने लगा दिया टावर ब्रिज की, इधर टावर ब्रिज की आपको लेके चलते हैं, मैं भी देखता हूँ और आपको भी अपने अपने साथ दिखाता हूँ, टेंट चेंज लेनी है, निशान की भरपूर फरमाइश आ रही है भाई साहब, लोग बनाने हैं, तो भाई साहब मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसी मसले वाली, हॉलीडेज पे आया हूँ तो भाई साहब फुल इंजॉय करूंगा हॉलीडेज, टेंशन नहीं लेनी। कनेडियन एम्बेसी एम्बेसी इसी रोड पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे मैंने देख ली, इटली की देखी है, फ्रांस की देखी है, आयरलैंड की देखी है, कनाडा की, और आई थिंक से काफ़ी हैं। वो राजी क्या था इसका नाम मुझे भूल गया, लंडन आई, क्या था, लंडन आई, ओह सॉरी लंडन आई, स्केयर पे लिया, मैं आपको कुछ दिखाने लगा था इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया था, लेकिन मुझे भूल गया कि मैं आपको क्या दिखाने लगा था। तो जी प्लान में आ चुका है जी लिटिल बिट चेंज, टावर ब्रिज हो चुका है जी बंद, और टावर ब्रिज का प्लान बनेगा जी टुमारो, तो टावर ब्रिज मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में, अगले से अगले व्लॉग में आपको टावर ब्रिज का विजिट करवाऊंगा। फाइनली घर पहुंच चुके हैं जी, कैसे कहते रास्ते में मुझे जो नींद आई है, खीर किस्म की बर्गर था हैवी, उसकी वजह से भाई साहब बहुत नींद आई है कसम से, अभी घर आए हैं तो रस्ते से मैंने वो टेस्को से पानी की बोतल ली थी, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे भी घर के नीचे ना यहाँ पे शॉप्स हैं काफ़ी सारी, क्योंकि यहाँ पे देसी बहुत ज़्यादा रहते हैं इस वाली साइड पे ना, बिस्किट लिए हैं और साथ शॉर्ट्स लिए हैं हमने उसके लीची वाले ना, आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, ये देखें ये जी लीची के शॉर्ट्स लिए हैं छोटे छोटे, आई थिंक 6 है, हाँ 6 हैं, और साथ ये बिस्किट्स लिए हैं जी, अब इसको बैठ के खाते हैं साथ में भी चाय बनाएं, तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे ख़त्म, कल का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आपका भाई धड़ाधड़ व्लॉग बना रहा है भाई साहब, लेकिन एडिट कब करना मुझे इसकी चीज़ की समझ नहीं लगती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता एडिट करने का, तो मैं अब ये बना रहा हूँ, अब एडिट कैसे करूँगा, ये प्रॉपर एक सीरीज़ बनेगी मेरी,
इसका होगा जी यूके लाइक ट्रिप टू हॉलीडे लाइक ट्रिप टू यूके और यू कैन से हॉलीडे ट्रिप्स टू यूके जो भी टाइटल देना होगा वो दे लेंगे फिर इसको एक कंटेंट एक कंटिन्यूसली सीरीज लेके चलूंगा आइलैंड से निकलते हुए से लेके आइलैंड पहुंचने तक ओके तो जी स्लो को यहीं पर करते हैं जी खत्म तब तक अपना अपने वालदान का ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा आपको कोई भी क्वेरीज आपकी हो आपके माइंड में आइलैंड के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा कोई मसला नहीं मैं आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा करता भी हूँ मैं सबको मोस्टली करता हूँ कभी हुआ ही नहीं मैंने कभी किसी को ना रिप्लाई किया या किसी के आंसर किसी के क्वेश्चन का आंसर ना किया मैंने तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।